भारतीय रेल मंत्रालय आगामी दिनों के अंदर समूचे देश में 360 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अंबाला रेल मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन मेल ट्रेन में परिवर्तित होने जा रही है, जिसको लेकर हमारी टीम ने विशेषज्ञों और रेल अधिकारियों से बातचीत की और जायजा लिया कि आखिरकार पैसेंजर ट्रेन को मेल में तब्दील करने से क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बताते चले कि आगामी दिनों में भारतीय रेलवे मंत्रालय समूचे देश के अंदर 360 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में परिवर्तित करने जा रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हमारी टीम अंबाला रेलवे मंडल के DRM गुरिंदर मोहन सिंह से मिली। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड रेलगाड़ियों को स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक अंबाला रेलवे मंडल से कितनी पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील किया जाएगा, इसकी औपचारिक जानकारी हमें नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि आगामी 1 जुलाई से अंबाला रेलवे मंडल के अधीन आने वाली ट्रेनों को जीरो बेस से शुरू किया जाएगा, यानी सारा टाइम टेबल दोबारा तैयार किया जाएगा। वहीं अंबाला रेल मंडल में हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अंबाला मंडल से 25 पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील किया जाएगा। पैसेंजर ट्रेन का मेल ट्रेन में तब्दील करने से क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अंबाला मंडल के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन डिविजनल सेक्रेटरी चरणजीत सिंह बाजवा ने बताया कि यदि ऐसा होता है तो इसकी सबसे अधिक मार गरीब, मिडिल क्लास और लोकल रेल यात्रियों पर पड़ेगी। सबसे पहले तो रेल किराए में 3 गुना इजाफा हो जाएगा, उसके बाद स्टॉपेज बहुत कम रह जाएंगे, जिससे मंडल के रोजाना रेल यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बाजवा ने साफ शब्दों में कहा कि पैसेंजर ट्रेन को मेल ट्रेन में तब्दील करने की बजाय सरकार को चाहिए था कि ट्रेनों की संख्या बढ़ा देते। कोरोना काल लगने के बाद मार्च 2020 में सारी की सारी पैसेंजर गाड़ियां बंद हो गई थी, तो उसके बाद अब जब जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हो जा रहा है तो उसके कारण रेलवे ने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां स्टार्ट करनी शुरू की है। लेकिन जैसे 360 गाड़ियों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी कोई फॉर्मूला हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां स्पीड अप करने की जरूरत है बहुत ज़्यादा, और इसके ऊपर रेलवे बोर्ड वर्क भी कर रहा है, और आपको हो सकता है 1 जुलाई के बाद जो नया टाइम टेबल आएगा वो एक जीरो बेस्ड टाइम टेबल टेबलिंग के कॉन्सेप्ट पे लेके आ रहे हैं, ताकि जैसे पहले गाड़ियां चलती थी उनमें किसी में स्टॉपेज दे दिया, किसी में विड्रॉ कर दिया, अब सारी गाड़ियों की प्लॉटिंग जो है वो हम एक जीरो बेस करके करेंगे, एक्चुअल रिक्वायरमेंट फील्ड से असेस करके, और जहां पे उसका स्टॉपेज है, जरूरत है या नहीं है, उसका फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करके एक बार दोबारा टाइम टेबलिंग इनिशिएट करेंगे। सर, क्या कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं कम्यूटर्स को, स्पेशली जो शॉर्ट डिस्टेंस पे रहते हैं, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे उसमें? नहीं, जैसे आपको पता है कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए गाड़ियों में जैसे सेकंड क्लास कोचेज में ओवरक्राउडेड ट्रेन रहती थी, तो वो ओवरक्राउडेड ट्रेन को कम करने के लिए हमेशा ही रेलवे बोर्ड इसके पीछे लगा हुआ है, ताकि जो इस तरह की कभी दोबारा स्थिति बने तो जितने पैसेंजर जितनी सीटें हैं गाड़ी में कम से कम उतने ही लोग जाएं। अगर कम लोग जाएंगे, ओवरक्राउडिंग नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आपको पता है थोड़ा पैसेंजर के ऊपर इसका ज़्यादा भार पड़ सकता है, लेकिन उसको एक बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, फास्ट और तुरंत सुविधा मिलेगी, उसको आरामदायक सीट मिलेगी, खड़े होकर नहीं जाना पड़ेगा, जितनी गाड़ियां 9 सीटें हैं, और थोड़ा ज़्यादा किराया देगा और फास्ट पहुंचेगा। तो इसके इस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है, और बाकी सारी डिटेल आपको जून में मिल जाएगी। अगर 1 जुलाई से नया टाइम टेबल आता है तो आपको डिटेल मिल जाएगी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अंबाला है, अंबाला से लोग जो है मुजरती में जाते हैं चंडीगढ़, मुजरती में जाते हैं पटियाला, ऐसे ही जो है वो कुरुक्षेत्रा और इधर सहारनपुर जाते हैं। तो इसमें जो ट्रैवल करते हैं लोग, उनको हम लोग MST, जिसको MST बोलते हैं, मंथली सीजनल टिकट, और एक होता है QST, क्वार्टरली सीजनल टिकट, जो 3 महीने की बनती है और जो 1 महीने की बनती है, और वो इतने नॉमिनल चार्जेस के ऊपर बनती है कि उसमें शायद जो है, अगर जैसे हम 1 महीने की बात करें तो उसमें सिर्फ 10 दिन का ही बढ़ा लिया जाता, और अगर 3 महीने वाली जो QST है उसका जो है भाड़ा कम से कम 1 महीने का बढ़ा लिया जाता, तो वो बहुत नॉमिनल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा हमारा जो डेली कम्यूटर है, जो हमारा 2G है, जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, जो हमारे मजदूर हैं, क्योंकि मेल ट्रेन में MST और QST में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, उसमें स्लीपर में आप नहीं बैठ सकते, उसमें जो है
जो अनरिजर्व कोच होती है वो खाली एक होती है। फिर ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें आपका सुपरफास्ट होता है, सुपरफास्ट आप लेंगे तो आपके ऊपर अलग से बर्डन आ जाएगा, उसकी टिकट आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें नहीं ले पाए, अगर आप उसमें चढ़ गए तो 250 रुपये का आपको जुर्माना लगेगा। तो ये तो किस सोच से, जहाँ पर हिंदुस्तान में मैंने आपको पहले कहा कि इतनी हमारे जो है गरीब लोग हैं, इतने हमारे लो पेड वर्कर हैं, मजदूर हैं, तो वो किस तरीके से चलेंगे। अब ये जिसने ये प्रपोजल बनाई वो भलीभांति जानता होगा, हम इसके खिलाफ नहीं है कि अच्छा कि आप कन्वर्शन ना करें। कन्वर्शन का मतलब नहीं होना चाहिए, आप ऐड करें, आप ये करें कि अच्छा कि इंस्टेड ऑफ मेल ट्रेन्स, क्योंकि हम लोगों के जो जब कंसेंसस होते हैं वो आए 3 महीने बाद होते हैं, उसमें दिखा जाता है कि कौन गाड़ी कितने परसेंट उसमें ऑक्यूपेंसी थी, कितना खाली था, किस सेक्शन में खाली थी, किस सेक्शन में बढ़ी थी, किस सेक्शन में जाके उसकी जो ऑक्यूपेंसी कितनी रही, वो सारे फिगर रहते हैं। तो अगर कहीं भारत सरकार को ये लगता है कि अच्छा है कि ये जो रूट के ऊपर हमें जो है 100% एफिशिएंट मिल रहा है, यहाँ गाड़ी चलाने की जरूरत है, आप चलाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वैसे तो बहुत सारे सेक्शन जैसे कालका शिमला सेक्शन है, वो घाटे का सेक्शन है, हमको कहते हैं बंद कर दो, पर नहीं बंद करते हैं। वहां पर हमें जो है, अगर जैसे ऐसी रेलवे है जहां पर हम 140 रुपये खर्च करते हैं तो 100 रुपया प्राप्त होता है, परंतु वहां पर भारत सरकार बंद नहीं करती है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब एस्पेक्ट हैं जिससे अगर आप ये करेंगे, अगर आप पैसेंजर को बिल्कुल बंद करके और मेल मेल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जो नीचे हमारा जो लो पेड तबका है, या जो हमारे डेली पैसेंजर्स हैं, कम्यूटर्स हैं, वेंडर्स हैं, लोजी हैं, ये सारे जो गरीब लोग हैं, ये बुरी तरह से जो है उनका शोषण होगा। और मैं नहीं चाहता कि अच्छा कि ऐसा कोई स्टेप बार सलाह लेना चाहिए। सर, पैसेंजर्स को मेल में कन्वर्ट करने से स्टॉपेज में भी दिक्कतें आएंगी या किस तरीके से होगा, क्या अनुमान लगाते हैं? देखिए, जो अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि पैसेंजर तो क्या है, हम अम्बाला से पैसेंजर चलाते हैं चंडीगढ़ तक, हमारा अम्बाला से पैसेंजर चलाते हैं कालका तक, ऐसे ही पैसेंजर हम अम्बाला से चलाते हैं पीयू के नाम से, उसका नाम वो चलती है पटियाला तक, ऐसे हम यहाँ से पैसेंजर चलाते हैं वो सहारनपुर तक, ऐसे ही पैसेंजर चलाते हैं नंगल डैम चितारू पटराला ऊना तक। तो पैसेंजर का मतलब है कि मेजोरिटी में जो पैसेंजर ट्रेन है, दोज आर बीइंग मैनेज्ड इन द डिवीजन टेरिटरी, डिविजनल टेरिटरी, और जो मेल होती है वो जो है वो इंटर डिवीजन चलती है, इंटर रेलवे चलती है, और उनका भाड़ा भी अलग होता है, उनकी स्टॉपेज भी अलग होती है, उनकी जो है हायरार्की में हर जो आप जो उसमें फैसिलिटीज होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें 100% जैसे अभी करने जा रहे हैं कि रिजर्व्ड लोग होते हैं, जब रिजर्व्ड लोग होंगे तो फिर वो जो हमारा जिनको अगर ये बंद कर देंगे आप, तो ये जो हमारे पास इतना बड़ा जो चंक है हमारा ट्रैफिक का, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग परेशान होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।